अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बताऊंगा कि जो मीडिया कंपनीज़ हैं, अखबार वाले हैं, वो किस तरीके से ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक इदारा चलाते हैं, उसका नाम है जियो, आज, डॉन वगैरह वगैरह। अब आपकी जो रसाई है वो उन लोगों तक है जिनके पास केबल टीवी आता हो, टीवी स्टेशन मौजूद होता हो, बिजली आ रही हो इलाके में, जाके वो बिजली से टीवी देख सकें, और केबल वाले की बिजली आनी ज़रूरी है, तभी आप उन तक पैगाम पहुँचा सकते हैं। लेकिन बाज़ अवकात न्यूज़ ऐसी अर्जेंट होती है कि आपको उसी वक्त पहुंचाना होता है, और SMS एक ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त पहुंचा सकते हैं किसी भी यूज़र को। लेकिन अगर आपने 10 करोड़ लोगों को SMS करा है तो आपके 10 करोड़ रुपए तो चल गए। अब आप 10 करोड़ रुपए एक पैगाम पहुंचाने के लिए तो नहीं खर्च कर सकते। एक हल है, वो है ट्विटर। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, उसकी दूसरी फिल्म आप देख सकते हैं जिसमें हमने समझाया कि ट्विटर कैसे काम करता है। ट्विटर के ऊपर आप अपने सब्सक्राइबर्स को फॉलो करवा सकते हैं। आप अगर एक TV स्टेशन चला रहे हैं, जियो न्यूज़ चला रहे हैं, तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताएं कि आप एक नंबर है उस पर SMS करें 40404, और मैसेज में लिखें @JioNews_ सब्सक्राइबर के पास अब एक ऑप्शन है कि वो अपने मोबाइल के ऊपर खबरें रिसीव कर सकते हैं। जिस तरीके से एवोल्यूशन आया कि भी पहले लोग कबूतरों से पैगाम पहुँचाते थे, अखबार छपना शुरू हो गए, फिर उसके बाद किताबें आ गई, फिर उसके बाद रेडियो आ गया, फिर TV आ गया, अब इंटरनेट आ गया, तो अब आप लोग कोशिश में लगे हैं कि सब्सक्राइबर को ग्रैब किया जाए। लेकिन मोबाइल जो है पाकिस्तान में 120 मिलियन लोग चलाते हैं। 120 मिलियन लोगों तक आपकी अब रसाई हो सकती है मुफ्त में, और ऑल यू हैव टू डू इज कि अपना इश्तहार बनाना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें कि हमारी ट्विटर ID को फॉलो करें, और एक ट्विटर की ID बना लें अपनी वेबसाइट पर जाके, और उसके ऊपर आप जब भी कोई मैसेज लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाखों करोड़ों लोगों को, जितने आपके सब्सक्राइबर होंगे वो चला जाएगा। इसको फास्ट फॉलोअर कहते हैं, जो इंस्टेंटली आप SMS के ज़रिए सब्सक्राइब करा रहे हो उसको फास्ट फॉलोअर कहते हैं, और फास्ट फॉलोअर को आप अभी तक फॉलोअर लिस्ट में नहीं देख सकेंगे, तो आपको अभी तक पता नहीं चलेगा कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपका पैगाम जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों तक जा रहा है। लेकिन क्योंकि याद रखिए, इसके अंदर ना कंप्यूटर चाहिए, ना इंटरनेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का फ़ोन चाहिए। SMS करना है 40404 @ और आपका इदारे का नाम, मिसाल के तौर पर Dhoom TV, Jio TV, Aaj TV, उसके ऊपर अब आप खबरें ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप अखबार चला रहे हैं, आपका छोटा सा अखबार है, लेकिन आपका अखबार, फ़र्ज़ करें मेरे एक दोस्त हैं, वो अखबार चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के इमामों के लिए, तो मस्जिद के इमामों के लिए अगर उन्होंने अखबार चलाया, तो अब एक टंडुवाला आदमी बैठा हुआ है इमाम साहब, और एक आदमजी नगर में बैठा हुआ है, और एक रहीमिया खान में बैठा है, उस तक पैगाम कैसे पहुँचाएं? अखबार डाक में ही 7 रुपये लग जाएंगे। तो उन तक पहुँचाने के लिए उनको कहें कि भाई आप बड़ा बड़ा इश्तहार करें कि आप हमारे अखबार को इस Twitter ID पर फॉलो करें, तो लेटेस्ट खबरें आप उनको SMS पर भेज सकेंगे। तो अब आपकी रीचेबिलिटी बढ़ गई, आपकी ऑडियंस बढ़ गई। सोनी धरती टेलीविज़न है, अब सोनी धरती टेलीविज़न सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए है, तो अब एग्रीकल्चर वाले जितने किसान हैं उन सबके पास मोबाइल तो है, तो उनको सिखाएं कि अपने मोबाइल से आपको सोनी धरती को फॉलो करना शुरू कर दें। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 लाख फॉलोअर हो गए, तो आप अपने अपने कस्टमर से कितने पैसे मांग सकते हैं कि आपका मैसेज मैं SMS के ज़रिए 10 लाख लोगों तक पहुँचाऊँगा, आप क्या फीस दें? इन मोबाइल्स को जो हमारे मुल्क में फैल गए हैं, इनसे फ़ायदा उठाएँ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएँ, फॉलोअर्स बढ़ाएँ, ट्विटर को सब्सक्राइब करवाएं और ट्विटर को इस्तेमाल करना शुरू करें, और इससे कमर्शियली भी फ़ायदा उठाएं और मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएं।